चर्चा करने वाले हैं क्लास 12वीं पार्ट 8 किसान जमींदार और राज्य इतिहास का ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी की इसमें बात की जाएगी। उस समय मुगल शासन था भारत में। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है किसान और कृषि उत्पादन। जो उस समय का समाज था, किसान, खेती और मजदूर, उसकी बात इसमें इस पॉइंट में की गई है कि खेती और मजदूर, खेती और किसान और वह कृषि उत्पादन में क्या क्या चीजें उगाता था। हम ये सब जानते हैं कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं, कितने मानसून हैं, उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। ये पॉइंट ये दर्शाता है। आगे हमें इस चैप्टर के बारे में जो हमें चीजें पता लगी हैं वो हमें कहाँ से पता चली है, यानी कि स्रोतों की तलाश हमें अबुल फजल की आईने अकबरी के द्वारा इन सब चीजों के बारे में पता चला है। ध्यान रहे, अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय की आर्थिक स्थिति और कृषि की स्थिति जानने का। अगले पॉइंट में हम देखें किसान और उनकी जमीन। किसानों को उस समय अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, जैसे रैत, मुजारिन। किसान अलग अलग नाम से, जैसे इसी से ही बना रैत वाली प्रथा, और मुजारिन भी किसानों के ही अलग अलग नाम है। अब खुद कास्ट और पाई कास्ट में क्या अंतर है? जिनकी भूमि खुद की होती थी और वो अपनी खुद की भूमि पर काम करते थे वो किसान कहलाते थे, खुद कास्ट। नाम से पता लग रहा है, जिनकी खुद की भूमि होती थी और खुद की भूमि पर वो काम करते थे वह खुद कास्ट कहलाते थे, और जो दूसरों की भूमि पर, किराए की भूमि पर काम करते थे वो पाई कास्ट कहलाते थे। ये किसानों का प्रकार है, खुद कास्ट किसान और पाई कास्ट किसान। आगे हम देखें सिंचाई और तकनीक की बात करें। मुगल साम्राज्य में नहरों के जरिए, रहर के जरिए सिंचाई और तकनीक थी। उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी जितनी आज के दौरान है। उस समय बैलों के जरिए, रहतों के जरिए, इन सब के जरिए सिंचाई और खेती की जाती थी। अगला हम देखें फसलों की भरमार। फसलों की भरमार, जो फसल वर्तमान में मौजूद है उससे लगभग थोड़ी बहुत कम ही फसल थी उस समय, लेकिन फसलें सभी थी, चाहे वह किसी भी सब्जी की हो, चाहे किसी भी दालों की हो, चाहे किसी भी अनाज की हो, तो फसलों की भी उस समय भरमार थी। आगे हम देखें ग्रामीण समुदाय की बात हो रही है। ग्रामीण समुदाय कौन सा है? जो खेती भी करता है और साथ में ग्रामीण इलाके यानी कि गांव में रहता है। तो ये ग्रामीण समुदाय की बात हो रही है। ये ग्रामीण समुदाय कोई भी हो सकता है, देश का कोई भी इलाके में ग्रामीण समुदाय की बात हो सकती है। आगे इस चैप्टर में हम देखते हैं जाति और ग्रामीण माहौल। आप ये जानते हैं इस देश में जाति व्यवस्था शुरू से रही है, तो जातियों का एक महत्वपूर्ण अपना रोल था यहाँ पर, यानी कि अपनी अपनी जाति के आधार पर वहां व्यवस्था थी। तो जाति और ग्रामीण माहौल मतलब कि गांव में भी हम देखें तो पंचायतें थी, जातियों की पंचायतें होती थी, अलग समाज की अलग पंचायतें होती थी, अलग समाज की अलग पंचायतें। इसी तरह इसमें अगला पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन भी बनकर आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर 12वीं में, जो सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पंचायतें और मुखिया। अब पंचायतें हम जानते हैं पंच से नाम बनाए, जैसे पंच परमेश्वर होता है वैसे ही पांच से, यानी कि इसमें पांच लोग होते हैं मुख्य रूप से पंचायतें, और गांव का किसी मुखियों को बनाया जाता है पंचायत में। मुखिया वही निर्णय लेती है, वही कोई भी गांव का कोई भी निर्णय होगा, सही निर्णय या कुछ भी उनको लगता है किस हिसाब से सही करना है या कुछ ऐसा निर्णय, तो ये सब पंचायत करती है और पंचायत का मुखिया करता है। मुखिया एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को बनाया जाता है जिसका समाज में नाम हो और उसकी छवि खराब ना हो। तो ये पंचायतें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी उस समय। ग्रामीण दस्तकार, दस्तकार कौन होते हैं ये हम जानते हैं, जो भी बुनकर, छोटे छोटे काम करने वाले, तो ग्रामीण दस्तकारों की भी बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें दी गई है चैप्टर में कि उनकी स्थिति कैसी थी। मतलब कि 16वीं 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे, अभी अंग्रेज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे, आ तो गए थे भारत में लेकिन पूर्ण रूप से उस समय विकसित नहीं हो पाए थे, तो इसमें ग्रामीण दस्तकारों की स्थिति धीरे धीरे बताते हैं कि उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन सामान्य थी, जो धीरे धीरे करके आगे जाकर खराब हो गई। कृषि समाज में महिलाएं, अब हम जानते हैं कि हर समाज में महिलाओं का योगदान था, तो कृषि समाज में महिलाओं का क्या योगदान था वो इसमें पॉइंट्स में हम चर्चा करते हैं कि जैसे
अगर असम में देखें चाय के बगानों में महिलाएं टोकरी उठाकर पीछे पत्तियां यूं डालते डालते साथ में बच्चा भी लटकाए हुए अपने काम करती थी। इसके अलावा घर का काम भी करती थी, किसान के साथ मदद तो करवाती थी महिलाएं, लेकिन उसके अलावा घर का काम भी करती थी, जमींदारों के घर भी काम करती थी। तो महिलाओं की भूमिका यहाँ पर नकारी नहीं जा सकती, महिलाओं की भूमिका समाज में काफी महत्वपूर्ण थी, ये पॉइंट ये दर्शाता है। इससे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है सीबीएसई कि उस समय समाज में महिलाओं की भूमिका, तो जब भी ये प्रश्न आए तो समझ लेना ये चैप्टर 8 का प्रश्न है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो तुम्हारे को। आगे हम देखते हैं जंगल और कबीले। अब उस समय समाज में क्या क्या परिस्थितियां थी, समाज था, गांव थे, इसके अलावा गांव के अलावा जंगल भी थे, कुछ लोग गांव में ना रह के जंगल और कबीले बनाकर रहते थे आदिवासियों की तरह, वो बात वो पॉइंट इसमें बताए गए हैं। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे, जो गांव में टैक्स नहीं दे पाते थे, वो लोग अपना कबीला गांव में से हटाकर जंगल में चले जाते थे और जंगल में भी कुछ लोग रहा करते थे। आगे हम देखें जंगलों में घुसपैठ होती थी। जंगलों में घुसपैठ का मतलब यही है कि उन लोगों को पकड़ने के लिए जाते थे जो लोग टैक्स नहीं देते थे, या उन जैसे जंगल में हम देखें कि बहुत सी बहुमूल्य चीजें मिलती हैं, जैसे हाथी पकड़ने जाते थे शासक के जो सैनिक थे, और भी अन्य जानवर पकड़ने जाते थे, तो वहां जंगलों में घुसपैठ आमतौर पर होती रहती थी। आगे देखें जमींदार की भूमिका यह थी, जमींदार टैक्स वसूल करता था और अपना हिस्सा रखकर बाकी हिस्सा शासक को देता था। आगे हम देखें भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली की बात करें तो भू राजस्व प्रणाली अपना हिस्सा रखकर कुछ हिस्सा जमींदार द्वारा शासक को दे दिया जाता था, यही भू राजस्व प्रणाली थी जो कि उस समय प्रचलित थी। अगला पॉइंट चांदी का भाव की बात करें तो पूरे विश्व से चांदी होकर भारत में सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रही थी। भारत का व्यापार अन्य राज्यों के साथ, अन्य देशों के साथ भी था, तो जितनी भी चांदी थी वो विदेशों से होते हुए सबसे ज्यादा भारत में इकट्ठा हो रही थी, ये पॉइंट को इसमें डिस्कस किया हुआ है। अगला है आईने अकबरी। आईने अकबरी के तीन भाग है, वैसे आईने अकबरी अगर देखा जाए तो अकबरनामा का ही भाग है, अकबरनामा के तीसरे पार्ट की आईने अकबरी है, अकबरनामा की तीसरा भाग आईने अकबरी है। और आईने अकबरी में भी तीन पार्ट डिवाइड किए गए हैं, मस्जिद आबदी, सिपा आबदी और मुल्क आबदी। आईने अकबरी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये अबुल फजल ने लिखी है। तो इस तरह ये हमारा पॉइंट वाइज पॉइंट पूरा चैप्टर इन शॉर्ट में डिस्कस किया गया है, और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।